हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस लॉकडाउन में होटल का खाना मिस कर रहे हो तो घर पर ही बनाइए रेस्टोरेंट जैसा दाल फ्राई और जीरा राइस। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ दाल फ्राई और जीरा राइस की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा ही आता है। आज हम दाल फ्राई को स्मोकी इफेक्ट देंगे, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दाल फ्राई का। तो चलिए दाल फ्राई और जीरा राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो सबसे पहले दाल फ्राई की प्रिपरेशन के लिए मेजरमेंट कप से हाफ कप तुअर की दाल ली है। उसे हम 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे और 20 मिनट के बाद दाल को 2 से 3 बार वॉश करेंगे। उसी वक्त हमें राइस भी भिगो कर रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं। पहले 1.5 कप लिया था, फिर बाद में 1/2 कप ऐड किया था। उसे पहले हमें 2 से 3 बार वॉश करके लेना है और पानी में भिगो कर रखना है 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है, तो एक कुकर में इसे कुक कर लेते हैं। दाल को कुकर में ऐड करेंगे और उसमें दाल भिग जाए उतना पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से सीटी होने के वक्त दाल बाहर नहीं आएगी और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बाद में कुकर की लीड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटियां आने तक कुक कर लेंगे। तब तक हम जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए एक पतीला लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी में जीरा राइस बनाने से जीरा राइस बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहे तो घी की जगह ऑयल या फिर बटर का भी यूज कर सकते हो। घी गर्म होने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। जीरा का फ्लेवर घी में अच्छे से उतर जाने के बाद उसमें हम ये सोक किया हुआ राइस ऐड करेंगे। राइस को ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम हाई रखनी है और फिर राइस ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो अब हमें इस राइस को घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो राइस को हमें 5 मिनट के लिए घी में फ्राई करना है। राइस अब ड्राई हो चुका है, तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हमें 4 कप गर्म पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने राइस 2 कप लिया था, तो उसी कप से हम 4 कप पानी ऐड करेंगे। तो जितने कप हम राइस लेंगे उतना डबल हमें पानी ऐड करना है। और ध्यान रखें कि पानी गर्म हो। गर्म पानी यूज करने से राइस बहुत जल्दी कुक होता है। तो अब इसे उबाल आने तक वेट करेंगे। बॉईल आ गया है, तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। फिर 2 टीस्पून के करीब हमें नींबू का रस ऐड करना है। इससे राइस को फ्लेवर भी आएगा और राइस होटल जैसे खिले खिले भी बने। और जब तक हमारा राइस कुक हो रहा है तब तक हम गैस की दूसरी साइड में दाल फ्राई बनाने के लिए लेते हैं। उससे पहले राइस को प्लेट से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी में दाल फ्राई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी गर्म होने के बाद उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रखें। फिर उसमें 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और ये 2 सूखे लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 से 3 पिंच हींग, और इसे घी में 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर उसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक सॉटे कर लेना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इस पेस्ट को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब बारी है मसाले ऐड करने। मसालों में हमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इसे भी हमें सॉटे कर लेना है। उसके बाद हम 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी प्याज की तरह हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। तब तक हम कुकर की लीड ओपन करके दाल को मैश कर लेते हैं। दाल को सिर्फ हल्के से ही मैश कर लेना है। अब दाल को हमें कढ़ाई में ऐड करना है और कुकर में जो बची हुई दाल है उसे भी पानी में ऐड करके लेना है। फिर स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और पानी की कंसिस्टेंसी हम अपने हिसाब से रखेंगे। अगर आपको पतली दाल अच्छी लगती है तो पानी ज़रा ज़्यादा ऐड करिए। फिर दाल में 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके साथ फ्रेश हरा धनिया पत्ता। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो ऊपर से हम ये कसूरी मेथी क्रश करके ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है,
कसूरी मेथी से दाल फ्राई को एक अलग सा फ्लेवर आता है। अब ये दाल तड़का हमारा रेडी हो चुका है। इसे अब लास्ट में एक स्पेशल फ्लेवर देने के लिए हम स्मोकी इफेक्ट देंगे। उसके लिए हम एक चारकोल लेंगे और इसे सिमटे से पकड़कर गैस पर गर्म करेंगे। चारकोल गर्म होने के बाद अब इसे एक बोल में रख देंगे और इस बोल को हम दाल फ्राई की कढ़ाई में रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा घी डालेंगे, क्योंकि घी डालने से चारकोल में से धुआं निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि तुरंत इसमें से धुआं निकल रहा है। तो फटाफट कढ़ाई को हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, क्योंकि चारकोल से धुआं निकल रहा है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे दाल फ्राई को स्मोकी इफेक्ट मिले। तो 10 मिनट के बाद इसे ओपन कर लेते हैं और इस छोटे बोल को केयरफुली बाहर निकालते हैं। ध्यान रखें कि चारकोल निकालते वक्त ये दाल में नहीं गिरना चाहिए। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी स्मोकी दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। दूसरे साइड में हमारा जीरा राइस भी तैयार हो चुका है और चावल को खिला खिला बनाने के लिए फोक से इसे मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हमें इसमें धनिया पत्ता ऐड करना है। तो ये रहा हमारा स्मोकी दाल फ्राई और जीरा राइस। अगर आपको स्मोकी इफेक्ट वाली दाल अच्छी नहीं लगती है तो वो पार्ट स्किप करें। दाल फ्राई और जीरा राइस को प्याज के साथ सर्व करें। तो इस कॉम्बो को आप घर पर ज़रूर बनाएं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाया गया है और इसकी टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे ही आती है। और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।